तो पैर से पकड़ रहा है इसके गाड़ी के, मत्था था क्या टेक रहा है इसने। सुबह सुबह की सबको राम राम भाई। रात अच्छी कटी, बढ़िया सी रात, और जरूर थोड़ी सी ठंड जरूर लगी पर कटी। कैसी थी रात? बहुत बढ़िया, ज़्यादा ठंड नहीं लगी लेकिन कमरा अच्छा था। कमरा ठीक था, थोड़ा हीटर वूटर था, काम चल गया बढ़िया। मेरे को लगता है अगर गाड़ी में सोते तो टिया पंच हो जाता हमारा, है नहीं? दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है अपन लोगों को। ये सीन है यहाँ के, देखो जी देखो देखो। अंदर फ्रेश होने की ज्यादा, सारा पानी जमा पड़ा है, बर्फ बन गई बर्फ बाल्टी बनी में। हुई है बाल्टी। कितना चलो, चाबी आपके पास है ना गाड़ी की? हाँ आपके पास है। मेरे पास ही है, रिकवर कर रखी ना। हमने रात को ही पहले ही अपनी गाड़ी ईस्ट की साइड खड़ी करी थी। जब भी यहाँ है तो ईस्ट की साइड अपने गाड़ी को खड़ा करना चाहिए। मैं देखता हूँ गाड़ी स्टार्ट करके होती है कि नहीं। वैसे तो हम एंटी फ्रीज डाला हुआ है इसमें, हो ही जाए शायद, है ना? नाराज हो रहा है इंजन। देखा एंटी एंटी फ्रीज का क्या काम रह जा कर जा यार, पिछली बार बड़ा दंग किया था, सारा दिन लगा स्टार्ट करने। तो पैर से पकड़ रहा है इसके गाड़ी के, मत्था था क्या टेक रहा है इसने। नहीं मैं तो रह नहीं दूंगा, तो थोड़ी धूप आने दे, मैं तो फिर करूंगा। इधर ही आएगी ना तू? सीधा यहीं आएगी ऊपर से, ये देख। तो आप नहा लेते? नहाए क्यों नहीं आप? हाँ बिल्कुल, मेरे को यहाँ से लेके जाना पड़ता। पानी में मतलब पानी तो है नहीं, बाल्टी में बर्फ बन गई ना पानी की, तो ऊपर से पानी की कमी भी है यहाँ, कमी भी है पानी। बस ये मग्गा, ये भी हम अपनी जो घर से हम कैटली सी लेके आए हैं, कैटल, उसमें गर्म कराया, नहीं तो कुछ है भी नहीं। और चाय ये दिखाओ थोड़ा, ये हमने चाय भी चाय खुद बनाई है। अरे चले, माइनस कितना है? माइनस अभी तक तो, अब तो शायद धूप आ गई है तो होगा कम से कम माइनस 4-5 के आसपास। अच्छा, रात को था माइनस, मैंने देखा था माइनस 13 था, 13-14 रात को तब देखा था जब मैं यहाँ फोटोग्राफी कर रहा था, टाइम लैप्स वगैरह बना रहा था रात को, तब की बात है ये। और ये होगी 9 बजे की बात, 9:30 की, उसके बाद तो मैं अंदर ही आ गया। तो हो सकता है रात को और भी ड्रॉप हुआ होगा टेम्परेचर, ठीक है बाकी बहुत। और यहाँ पर तो एक बड़ा अच्छा जबरदस्त काम, इधर आओ इधर से। एक सबसे बढ़िया काम यहाँ का है कुसुत्ता काम। यहाँ के लोग तो भाई साहब 3 महीने तो नहाते नहीं होंगे कसम से, मैं जिसको भी देखो कोई मुंह भी नहीं धो रहा है यहाँ। तो हमको ही थोड़ा सा शौक पड़ा मुंह धोने का, मगर चलो फोटो में बड़ी आ जाएंगी, कसम से कोई ना मुंह धो रहा है यहाँ ना कोई, मैं तो ब्रश भी पता नहीं कर, ब्रश ही करते हैं बेचारे। कई महीनों में नहाते होंगे? कई महीनों, मैंने पूछा बल्कि एक अच्छा था पिछले साल आए थे जब, मैंने पूछा मगर यार नहाते नहते नहीं तुम, हंसने लग गए। कब नहाते हो? कह रहा अब तो गर्मियों में नहाएंगे। तो ऐसा मौसम है। बाकी हम सुबह एक बार उठे थे जब 7 बजे के 7:30 के आसपास हमने गाड़ी स्टार्ट करी थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं, तो एंटी उंटी फ्रीज तो मैंने ना लगता है काम करा है कुछ भी अभी तक, उसने कुछ काम नहीं किया, मेरे को नहीं लगता कोई काम किया। तो अभी ऐसे धूप आ गई है, हमने जान के इसी तरफ खड़ी करी थी, क्योंकि मैंने सीखा था पिछले साल जब हम आए थे सर्दियों में कि हमेशा धूप की तरफ खड़ी करनी चाहिए, धूप अच्छी निकल जाती है सुबह यहाँ।
तो अगर वो हो जाती है स्टार्ट, ठीक है, नहीं तो हमारे पास लकड़ी है, वही जो पिछले साल हमने करतब किए थे वही करतब करने पड़ेंगे। चैम्बर गर्म करना पड़ेगा, नीचे से गर्म करना पड़ेगा, टैंक गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो थार है, इसका जो टैंक है, ये स्टील का है, तो ये बड़ी अच्छा है कि भी मतलब लोहे का है, गर्म हो जाता है। कुछ गाड़ियों में क्या होता है, प्लास्टिक के आते हैं, जैसे फॉर्चूनर में प्लास्टिक का टैंक है, उसको गर्म करना और भी मुश्किल है, उसको तो कुछ और भाप वगैरह ही देनी पड़ेगी। तो अभी देखते हैं अगर होगी, वैसे धूप में खड़ी है, शायद हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम इसको देखेंगे कैसे करना है। इतने अच्छे लोग हैं, एक अंकल जी ने, मैंने देख रहा हूँ, मेरी गाड़ी हमारी गाड़ी का ऊपर से खोल दिया, अपने आप ही खोल दिया उसने। देख मुकेश, वेरी गुड। उस वो बंदे ने हमारा अपने आप टैंकी में ऊपर से खोल दिया है ताकि धूप लग जाए। और हमारी लोग तो बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, बहुत बढ़िया है। स्वीति के लोग इतने कोऑपरेटिव, इतने बढ़िया लोग हैं, बता नहीं सकता, बहुत अच्छे लोग, हेल्पफुल हैं, अच्छे हैं, एक चिड़चिड़े स्वभाव के नहीं है। जैसे कि हमने गाड़ी के अंदर एंटी फ्रीज भी डाला, और ये जो मैं जो कूलेंट है, ये कूलेंट भी भाई एंटी फ्रीज कूलेंट है कहने को, और ये बिल्कुल जमा हुआ है, सारा का सारा जमा हुआ है, ना तो इसका कूलेंट का कोई फ़ायदा हुआ, मेरे को लगता है एंटी फ्रीज का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि धूप ही लग के अगर स्टार्ट होनी है तो फिर तो क्या फ़ायदा है। और मुझे लग रहा है कहीं आग ही ना लगानी पड़े गाड़ी स्टार्ट करने में, पिछली बार की तरह। डॉक्टर साहब तैयार हैं इस चीज़ के लिए? वैसे तो तैयार, तो सामान तो लाए हैं हम एंटी फ्रीज के ऊपर तो भरोसे कभी भी नहीं थे, ये फेल हो गया एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज का कोई फ़ायदा नहीं, और ना ही कोई, ये सारा का सारा कूलेंट जमा पड़ा भाई, कूलेंट जम गया। और कूलेंट वाला कह रहा था मेरे को कि माइनस ये है जी वो है, वैसे हो जाएगा। छेड़ मत, इसको पंप को भी मत दे, थोड़ी सी मैं सोच रहा हूँ धूप और लगने दे, नीचे ना घुस जाए। अप डाउन अप डाउन, पानी गर्म पानी गिर रहे थोड़ा सा, और इस पे मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लेगा, बहुत तेज है धूप, वैसे 2 घंटे ही चाहिए, धूप 1.5 घंटे की होती है। हाँ, अपने अब खोला है ना इसको, लगा ले 1 घंटे पहले खोल दिया, पता क्या सिस्टम, एक तो अंदर गिर रहा, एक ऊपर के गेट मेरे लिए चाहिए होता पूरा ऐसे। तो यार मैंने वैसे ही करना था ये, मैं वो पता क्यों लाया था, एक तो यूँ गिर दिया था हमने, एक यू कह के देते इस पे पत्थर, हाँ, ताकि इसके ऊपर वो बिल्कुल भी ठंड का असर ना हो, मतलब हवा ना जाए अंदर, ठीक है। बाकी स्पीति है भाई, कुछ भी हो है, पिछली बार तो 8 बजे हमने स्टार्ट कर दी, 4 बज गए थे, इस बार धूप है वैसे शायद हो जाए जल्दी। ये सबसे प्यारी कुत्ती की, इसके लिए रात भर रोटी लाया था, ये पता नहीं कहाँ थी। नहीं डॉक्टर साहब, इसके साथ मेरी फोटो फोटो खींच दे 2-4, बड़ी प्यारी है। माल की बात जो आप लोगों से शेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ दोबारा, ये ना नीचे जो ये खा रहे हैं डॉगी, ये पेडिग्री है, और इनको ये पालतू नहीं है, ऐसे ही कुत्ते हैं, और इनको पेडिग्री दी किसने है, जो PWD गेस्ट हाउस का हमारा चौकीदार भैया है उसने, और वो उसने इसलिए दी, मैंने पूछा कि आप इनको इतनी महंगी पेडिग्री दे रहे हो क्या आवारा कुत्तों को, कह रहे ये आवारा है, फिर किसी को काटेंगे, फिर अभी कुछ खाने को भी नहीं मिलता ज़्यादा, तो हमें इनकी केयर करनी है। कितनी अच्छी और कितनी बढ़िया सोच है यार, कमाल की है, इन लोगों को सल्यूट है कि बेचारा कितनी महंगी आती है, 2500-2600 रुपये का कट्टा होता होगा वो इन कुत्तों के लिए रखा हुआ है, एक मग्गा इनको दे के गया है, हर रोज़ देता है। वाह, सल्यूट है ऐसे लोगों को, स्पीति के लोगों को। और खुशखबरी की बात एक और है कि गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, वाह। अब इसको थोड़ी देर छोड़ दूंगा गाड़ी को स्टार्ट ही, ताकि अच्छी तरह से गर्म हो जाए, वैसे हो गया स्टार्ट। मेरा नाम कुछ नाम जा, हाँ इन भैया ने पेडिग्री दे रहे हैं यार, और कमाल की, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के, हेल्पफुल हैं। स्पीति के लोगों की खासियत है, मैं जब भी आया हूँ, आज से नहीं, मेरे को कई साल हो गए आते हुए, मेरे ख्याल से 10वां टूर है मेरा यहाँ का, 10 बार मैं आ चुका हूँ स्पीति में, और जब भी आता हूँ एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाता हूँ, कई जगह अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, पर स्पीति के लोगों का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहता है हमेशा ही। सल्यूट ऐसे लोगों को, बहुत अच्छा लेकर आ भैया, ठीक है, गली के कुत्तों को वो दे रहे हो। और बल्कि मैं तो एक और बात बता रहा था कि जैसे इनके टैग्स लगे हैं कानों के ऊपर ना, वैक्सीनेशन होती है इनकी, और कितनी अच्छी बात है यार, इनकी वैक्सीनेशन करवा रही सरकार, करवा रही है ना, सरकार करवाती है ना, कमेटी जो आपकी यहाँ की, जो यहाँ की म्यूनसिपल कमेटी वगैरह जो कमेटी है जी, हाँ, कितनी अच्छी है यार, अब इनकी वैक्सीनेशन हो रही है, स्ट्रे डॉग्स की, गले कुत्तों, किसी कार्ड भी जाएंगे तो मेरे को लगता है इनके बीमारी का भी ठीक हो जाएगा, किसी को काटेंगे रेबीज वगैरह भी नहीं फैलेगा, है ना। हाँ जी, और
और इनके हफ्ते हफ्ते में खाना भी मिलता है इनको। अच्छा, हाँ जी। तो वो कौन, वो भी सरकार करती है? वो भी सरकार एक वो बनाया हुआ है। अच्छा, सरकार की तरफ है, किसकी तरफ सस्ता है कि? हाँ, वो मुझे पता नहीं। कोई एनजीओ वगैरह होगी या कुछ ऐसा आप लोगों का बनाया होगा ना। तो कितनी अच्छी बात है यार, बिल्कुल सल्यूट आप लोगों को यार, इतना अच्छा। पहले तो इतनी ठंड रहती है यहाँ, इतना बुरा, और उसके साथ साथ इतना अच्छा दिल होना भी बड़ी अच्छी बात है। स्पीति, स्पीति की खासियत जमी हुई बर्फ, पानी गिरा होगा तो सारा का सारा ये जम गया है। देखने वाली बात ये है, जबरदस्त। अच्छी लग रही है खाने में, है? वेरी गुड, वाह। ये हमारी धन्नो खड़ी है, आइसक्रीम खानी है किसी ने? स्पीति आइसक्रीम अभी लेके आता हूँ। उत्तरी भाई, वैसे ही है ना, हो सकता है किसी का कत किसी से मारना हो ना, इसका यूज कर दो ना, तो कोई वेपन मिलेगा। देखिए जमी शार्प है, ले मैं तेरे पे बल्ला फेंकूंगा। कहाँ जागा तुम बचका है? तो कसम से कुसुप्ती है तो जगी। वाह जी वाह, तुम गिर जा किसी पता। हाँ खा के देगा, बहुत बढ़िया ले। के ऊपर वो डाल दो रो, अब जगह इतनी बढ़िया लगेगी। ना मिट्टी लग रही, क्या हो गया, हम कौन सा साफ हैं? पाँच पाँच दिन हो गए जितना आए हुए, क्यों हो गया? ट्रैवलर आदमी को है ना, मिट्टी सिट्टी तो क्या है। ये देखिए आज मुकेश का कत्ल करते हुए। ये घियो गांव की मनिस्ट्री है, जिस मनिस्ट्री के अंदर जो मम्मी पड़ी हुई है लामा की, ये थोड़ा इधर करके दिखा। ये देखो तो पहुंच गए हैं मॉनेस्ट्री में। यहाँ से दिखाओ सामने, ये देखो जी। अब इसके अंदर जाते हैं, विजिट करते हैं। देख ये जो पीछे मॉनेस्ट्री है, ये है वो मॉनेस्ट्री जहाँ मम्मी है लामा जी की। और ये देखना आप सारा का सारा नज़ारा। अंदर के बंद है, खुला है, देख भी सकते हैं कि नहीं मम्मी? ऊपर से तो नहीं है। हाँ देखते हैं कहाँ से इसका रहा। ये मम्मी वाले लामा है, ये अभी बंद पड़ा है वैसे, तो उधर से दिखाता हूँ। तो हाँ जी गाइस, ये स्पीति राइड विंटर राइड का लास्ट एपिसोड था। आगे बैटरी लो थी तो हमने जाते हुए की बनाई भी नहीं है। तो थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, मिलते हैं अगले।